लेसन फाइव मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब ध्यान देंगे, इसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ एनालॉग्स आते हैं। जैसे हमने एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फोर्स का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे पहले आता है क्यू, चार्ज होता है। अब हम क्यू एम लेंगे मैग्नेटिक चार्ज को, और जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ एम। ठीक है, अब एप्सिलॉन की जगह पर यहां पर जो चीज आने वाली है वो है, ये था परमिटिविटी, अब इसकी जगह आ गया है परमेबिलिटी, परमिएबिलिटी। ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट के हुआ करता था 1/4 pi epsilon naught, अब वो कांस्टेंट के बन चुका है म्यू नॉट अपॉन 4 pi। डिफरेंस देखो दोनों में, ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट और परमिटिविटी का एक रिलेशन है, वो है इनवर्स। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पे जो कांस्टेंट आता है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो यहां से सी की जो वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी मैंने बताई थी आपको 8.85 × 10^-12, और म्यू नॉट की होती है 4 pi × 10^-7। सी की वैल्यू 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, यहां तक बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब बारी आती है सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स की। अब मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह है, तो उसको आप मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स कह सकते हो। यह आपका क्या है, म्यूनोट अपॉन 4 pi, क्यू एम वन क्यू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई में मैग्नेटिक चार्ज। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi क्यू एम अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है रिलेटिव परमिएबिलिटी की, जिसे हम म्यू आर से दिखाते हैं। और म्यू आर क्या है आपका, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इक्वल है फोर्स इन मीडियम डिवाइड बाय फोर्स इन वैक्यूम। वहां इन्वर्सली था, यहां डायरेक्टली है, मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। ठीक है, अच्छा, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव एम मैग्नेटिकली डिस्टेंस 2L। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को आप छोटे m से दिखा सकते हो, किसे दिखा सकते हो, और छोटा m बन जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम। m इज इक्वल्स टू Qm into 2L। अब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे
आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r की क्यूब। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r की क्यूब, ठीक है, सेम है। और इक्विटोरियल पोजीशन पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन में आर की क्यूब, जैसे वहां पे आती थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर की क्यूब, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का एक और फॉर्मूला था जो हमने लेसन नंबर 4th में पढ़ा था, एन आई ए, आई ए और एन टर्न्स के लिए एन आई ए, ठीक है। यहां पर ए था एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, आई करंट और एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, तो इसके करंट्स के ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है उससे पता चलेगा कि साउथ बनेगा या नॉर्थ बनेगा। जैसे यहां से साउथ लग रहा है, इसी करंट कैरिंग लूप को अगर इधर से देखो तो ये नॉर्थ लगेगा। तो एक करंट कैरिंग लूप की डायरेक्शंस बता रहे हैं साउथ और नॉर्थ, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2x³ लूप से परपेंडिकुलर, और पैरेलल आएगी म्यू नॉट एम 4 पाई एक्स क्यूब। अब ध्यान दो, परपेंडिकुलर और पैरेलल में डिफरेंस किस चीज का है, वही जो भी थोड़ी देर पहले बताया था। इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, पहले इसको हटा दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r की क्यूब। तो जो परपेंडिकुलर है वो है आपकी एक्सियल पोजीशन पे, और जो पैरेलल है वो है आपकी इक्विटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अब लूप के साथ ये पैरेलल और परपेंडिकुलर दिखाई कैसे देखा जाओ, देखते हैं इसको। ये है आपका लूप, ठीक है, ये आपके परपेंडिकुलर, ये पोजीशन का डिस्टेंस सेंटर से एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x की क्यूब, ठीक है। अब बारी आती है करंट कैरिंग लूप से सोलेनोइड अगर हम बनाएंगे, तो उस सोलेनोइड को हम लेंगे बार मैग्नेट की तरह, तो उसको कहते हैं सोलेनोइड एज अ बार मैग्नेट। और वहां पे क्या फॉर्मूले लगेंगे जरा उस पर ध्यान दो, सोलेनोइड एज अ बार मैग्नेट। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि वो दिखता कैसा है, इस तरीके से देखो,
ये है अब आपका सोलेनोइड का सेट, और ये है आपकी मिड पॉइंट, हमने इसका ये ले लिया। ठीक है, यहां पे कंसीडर कर लिया एक रिंग, डीएक्स विड्थ का, जो एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से। यहां रेडियस है ए, और इस पॉइंट पी पर मुझे निकालना है इसका मैग्नेटिक फील्ड। आधा यहाँ से एल है, आधा यहाँ से एल है, और टोटल लेंथ इसकी 2L है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा? डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए, डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन में 2R-X का होल स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर की पावर 3/2। एक चीज, इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट एन आई बाय 2 2 आई ए स्क्वायर बाय आर की क्यूब। जो इसमें से कटता है उसको काटने के बाद मैग्नेटिक फील्ड वही आएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m बाय r की क्यूब। ठीक है, तो यहां से हमें ऐसा लगता है ये वैसे ही है जैसे एक्सियल पोजीशन होती है किसी डाइपोल की, एक्सियल पोजीशन होती है किसी बार मैग्नेट की, तो इसलिए हम सोलेनोइड को एक बार मैग्नेट के तौर पे ले सकते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला था। अब बारी आती है टॉर्क। टॉर्क पीछे ही बता चुका हूं मैं आपको, लेसन 1 में था ये पीई। अब पी की जगह ले लिया एम ने, ई की जगह ले लिया बी ने, तो ये बन जाएगा पी बी। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस पी या एम बी साइन थीटा नॉर्मल वेक्टर के साथ। ठीक है, एन टर्न्स के लिए आप इसको लिख सकते हो एन आई ए, और थीटा को आप ओमेगा टी भी लिख सकते हो। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो टॉर्क जो डाइपोल पे होगा वो मैक्सिमम कब एक्ट करेगा? जब परपेंडिकुलर होगा, और मिनिमम कब एक्ट करेगा? जब पैरेलल होगा। थीटा अगर 0 हुआ तो टॉर्क 0, थीटा अगर 90 हुआ तो टॉर्क 90। 0 का मतलब पैरेलल और 90 का मतलब परपेंडिकुलर। आप कह सकते हो व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब एक डाइपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करता है, जैसे पहले कर रहा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी नहीं करता, तो आप कहोगे द नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 व्हाइल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस बोथ टॉर्क एंड फोर्स। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स 0, टॉर्क करेगा। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब देखते हैं वर्क डन। देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं वर्क डन की, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डेल्टा डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क के टर्म में होगा ये टॉर्क इंटू डेल्टा थीटा। अब जरा समझते जाना, अभी पीछे टॉर्क क्या निकाला हमने? एम बी
साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर दो इसको थीटा वन से थीटा टू तक, तो आपका वर्क डन क्या आएगा, एम बी कॉस थीटा माइनस का थीटा वन से थीटा टू तक। आगे सॉल्व करें तो एम बी, अब कॉस थीटा टू को मैं कॉस थीटा वन पहले लिख रहा हूँ माइनस साइन को कॉमन लेने के लिए, यह आपका वर्क डन बन गया। ठीक है, अब ये वर्क डन कौन सा आपका मैग्नेटिक, मैंने शायद इलेक्ट्रिक पीछे वर्क डन नहीं कराया, उसको भी करा देता हूँ। देखो फिर वही वर्क डन क्या है, टॉर्क इनटू डेल्टा थीटा। अब इलेक्ट्रिक में टॉर्क क्या था, पी ई साइन थीटा डेल्टा थीटा, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो वर्क डन क्या आएगा, पी ई कॉस थीटा थीटा वन से थीटा टू तक की लिमिट, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। ठीक, दोनों कंपेयर कर लो, एक है मैग्नेटिक के लिए एक है इलेक्ट्रिक के लिए। अब अगर डाइपोल रोटेट करता है फील्ड की डायरेक्शन में तो आप एंगल ले सकते हो, मान लो थीटा वन है उसका जीरो और किसी थीटा की पोजीशन में जाता है, थीटा टू है उसका थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम बी वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, अब जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे लेकर चलते हैं, नेगेटिव, और इसको दो फॉर्म में देखा जा सकता है, अगर थीटा जीरो हो तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस एम बी, ये होगी मिनिमम। ठीक है, पैरेलल का केस, और अगर थीटा 180 हो तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी प्लस का एम बी, यह आपको पता होना चाहिए कॉस 180 माइनस वन होता है, ये होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आएगा आपका पैरेलल में केस और ये आएगा एंटी पैरेलल में, यही सारी बातें आप इलेक्ट्रिक में भी लगा सकते हो। जनरली क्या होती है, ये पीई कॉस थीटा, ठीक है, नेगेटिव का पीई कॉस थीटा। अब नेगेटिव का पीई कॉस थीटा आपका क्या बनेगा, अगर थीटा जीरो हो यानी कि पैरेलल हो तो यू बनेगा आपका माइनस का पीई यानी कि मिनिमम, और अगर थीटा 180 हो एंटी पैरेलल हो तो यू ही बनेगा प्लस का पीई यानी कि मैक्सिमम। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एनर्जी की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फॉर्म में, अब बात आती है बोहर मैग्नेटोन की। इस कंसेप्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो करंट इधर घूम रहा है,
करंट इधर घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन भी इनवर्ड है। वैसे मैग्नेटिक डाइपोल को हम दिखाते हैं एम से, यहां दिखाएंगे म्यू से। अब वो कह रहा है यहां जो करंट है, करंट होता है आपका ई बाई टी, हाँ, टाइम होता है डिस्टेंस, यहां पूरा एक चक्कर काटने में 2πr लगेगा, अपॉन में वेलोसिटी, तो करंट आ जाता है ईवी बाय 2πr। ठीक है, अच्छा तो बोहर मैग्नेटोन क्या आएगा या मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, म्यू एल इज इक्वल्स टू, खाली म्यू भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट इनटू एरिया, यानी कि ए बी अपॉन में 2πr मल्टीप्लाई में πr स्क्वायर। जो चीजें कट रही काट दो, कटने के बाद क्या बचा, ई बी आर अपॉन में 2। अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड करूं तो मुझे एंगुलर मोमेंटम दिखाई देने लगेगा। एंगुलर मोमेंटम मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं क्योंकि बोहर के पोस्टुलेट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है मेरे पास। तो ई एंगुलर मोमेंटम एल अपॉन में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोहर के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एनएच अपॉन में 2πr, और n क्या नंबर ऑफ शेल, इसलिए हमें इसको यहां तक लाना पड़ा। तो बोहर मैग्नेटोन तो आ गया आपका, मैग्नेटिक मोमेंट को पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम ले तो वैल्यू आती है e अपॉन में 2me। ठीक है, तो एक तो चीज आई आपकी मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या है आपका E by 2me मल्टीप्लाई में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr, और एक आया आपका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट l, इसे कहते हैं हम जायरो मैग्नेटिक रेशियो। और ये आई सॉल्व हो गया हमारे पास E by 2me। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म देखनी हो तो म्यू के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं, यहां पे वेक्टर लगा सकते हैं। अब बारी आती है बोहर मैग्नेटोन की, तो बोहर मैग्नेटोन है आपका ई एल अपॉन में 2me, जहां पे एल की वैल्यू पुट करनी होगी आपको एन एच अपॉन में 2πr। बस ठीक है, तो यहां आपका बोहर मैग्नेटोन से रिलेटेड सारी बातें हो गई। इसकी वैल्यू भी लिख सकते हो आप 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर, एनसीईआरटी ने दे रखा है। आगे चलते हैं, अब बात आती है अर्थ मैग्नेटिज्म की। अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आपको समझना होगा कि अर्थ एक बड़ी मैग्नेट है, जाइंट मैग्नेट है, जिसके अंदर हम मानते हैं कि अंदर मैग्नेट रखी है। ठीक है, अब जो हमारी मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के ज्योमेट्रिकल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मानना पड़ेगा जो अंदर मैग्नेट रखी है वो उल्टी रखी है। अब यहां से ये पता चलता है कि अगर ये अर्थ है और ये उसके ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है, तो जनरली क्या होता है, जनरली एक मैग्नेट के नॉर्थ से
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ में जाती है, ठीक है, स्पेस में, और मटेरियल के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। लेकिन अर्थ में उल्टा हो जाएगा, अर्थ में ज्योग्राफिकल साउथ से निकलकर नॉर्थ में जाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। एक बात कि डायरेक्शन उल्टी दिखाई देती है अर्थ में, दूसरी बात अर्थ का अपना एक मेरिडियन होता है। अब पहले मैं मैग्नेट बना रहा हूं, यहां मैंने एक मैग्नेट बनाई है, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये साउथ है, इस मैग्नेट के प्लेन को मैं यहां बना रहा हूं। देखो ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये है डिप एंगल, और दूसरा है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेट के मेरिडियन के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो यहां पे थीटा है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और ये कर्ली है डिप एंगल, इन दो एंगल्स की मदद लेंगे हम। अब देखते हैं अर्थ को, अर्थ के पोल्स को, अर्थ पे इक्वेटर को, मैं इसको लिख देता हूं इक्वेटर। अब इक्वेटर पर डिप एंगल कितना है, जो कंपास होता है वो ये है, ठीक है, कंपास में डिप एंगल, इसे डिप सर्कल भी बोलते हैं, डिप एंगल इक्वेटर पे होता है 0 और पोल्स पे डिप एंगल होता है 90, ठीक है, और अगर मैं देखूं हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली आपका फॉर्मूला बनेगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कॉस डिप एंगल, और वर्टिकली बनेगा साइन डिप एंगल, ठीक है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो आता है टेन डिप एंगल, वो होता है वीवी बाय बीएच, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ बीएच का स्क्वायर बीवी का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, जो अर्थ है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एक्सेप्ट करती है पोल्स पे, एक बात को ध्यान रखना। अब एक बात आती है, अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट की बात करनी हो तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है बीवी, बी साइन थीटा। अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट हम हमेशा इक्वेटर पे मानते हैं, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कहां मानते हैं, पोल्स पे, अर्थ के वर्टिकल कंपोनेंट को हम कहां मानते हैं, इक्वेटर पे। तो अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा इक्वेटर पे लिया जाता है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम पोल्स पे लेके चलते हैं। अब बारी आती है और कोई बात,
ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्टिकल प्लेन की, ठीक है, अगर वर्टिकल प्लेन थीटा एंगल पे, तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा डी वी। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब मैं मैग्नेट के मेरिडियन की बात करूं, इसको बी एच कह देते हैं। तो यहां से जो आपका टेन थीटा आएगा वो आएगा बी वी डैश बाय बी वी एच डैश, यानी कि बी वी अपॉन में बी एच कॉस थीटा, ठीक है, यानी कि टेन थीटा डैश इज इक्वल्स टू, जो टेन डेल्टा डैश इक्वल टू टेन डेल्टा अपॉन में कॉस थीटा। इसे रियल डिप एंगल कहते हैं। इसका एक क्वेश्चन है भी आपका एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। ये तब है जब हम बात कर रहे हो वर्टिकल की, इक्वेटर की। अगर हम बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टल की तो क्या होगा, पोल्स की, तो पोल्स पे आपका बी एच डैश बी एच ही रहेगा, बी वी डैश बदल जाएगा बी साइन थीटा। बी वी साइन थीटा, ठीक है। तो टेन डैश क्या आएगा, बी वी डैश बाय बी एच डैश, यानी कि बी वी बाय बी एच साइन थीटा। तो टेन डेल्टा आएगा टेन डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू टेन डेल्टा साइन थीटा। ये आपका रियल डिप एंगल है। क्वेश्चन आता है रियल डिप एंगल बताओ, जनरली तो जो पीछे फॉर्मूला करा है ये वाला लगता है, ठीक है, पोल्स पे पूछे तो ये लग सकता है, अच्छा। अगर वो कहे दो प्लेस दे रखे हैं आपको जिनके डिप एंगल डेल्टा वन और डेल्टा टू है, ठीक है, तो ट्रू डिप एंगल क्या होगा अगर दो प्लेस है जिनपे डेल्टा वन डिप वन और डिप टू है, ठीक है, डेल्टा वन और डेल्टा टू दो डिप एंगल है, तो कॉट थीटा का स्क्वायर यह है रियल डिप एंगल। ये भी बहुत कम यूज होता है, आएगा कॉट थीटा वन प्लस कॉट थीटा टू का स्क्वायर। ठीक है, बस इससे ज्यादा कोई फॉर्म नहीं है आपके। ये हुआ आपका लेसन नंबर 5 समाप्त।